हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्वप्निल करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे गए उसके आंसर के साथ में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पर आपको पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर होगा जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, क्वेश्चन रिलेटेड टू रशियन इंटरनेट सिक्योरिटी। रशियन इंटरनेट सिक्योरिटी में हाल ही में जो चेंजेस किए गए हैं उसका नाम आपको यहाँ पर पूछा गया था, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा सोवरेन इंटरनेट, जो कि रूसी इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है, संप्रभु इंटरनेट जिसका जो है हिंदी में अनुवाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, SDG इंडेक्स रिलीज बाय यानी SDG होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, किसके द्वारा जो है यह रिलीज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा नीति आयोग द्वारा SDG इंडेक्स जो है वह रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, वोल्केनो इरप्शन गैस यानी वोल्केनो इरप्शन गैस यहां पर आपको पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर होगा वाटर वेपर। वाटर वेपर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा टॉक्सिक गैसेस भी वहां से बाहर निकलती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। बट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन में वाटर वेपर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड यानी RNG अवार्ड 2020 के बारे में, तो यह अवार्ड दिया गया है राजस्थान पत्रिका ग्रुप के चेयरमैन गुलाब कोठारी को द रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2020 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था माधवपुर मेला के बारे में, तो माधवपुर ऑर्गेनाइज्ड इन इस बार यह मेला जो है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। इसके पहले जब भी यह मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है तो यह गुजरात में किया जाता है, बट यहां पर 8 जनवरी 2020 को यह मेला जो है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया था 2020 के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में, जो कि आयोजित किया गया था साउथ अफ्रीका में फ्रॉम 17 जनवरी टू 9th फरवरी 2020 को, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडिया की ओपनर शेफाली वर्मा टॉप रैंक्ड प्लेयर यहाँ पर है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नूरजहां किसकी वाइफ है, ठीक है। नूरजहां इज द वाइफ ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर की वाइफ है नूरजहां, यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था। वर्ल्ड बैंक के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक का जो एग्रीमेंट हुआ है ट्रेड से संबंधित यहाँ पर इंडिया में, तो वो किसके संबंध में है, तो यहां पर ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड स्ट्रेंथन ग्राउंड वाटर इंस्टीट्यूशंस के बारे में वर्ल्ड बैंक ने जो है यहां पर एग्रीमेंट किया है भारत के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा गया था, व्हिच मेटल डोंट अफेक्ट बाय बैक्टीरिया, यानी कौन सा ऐसा मेटल है जो बैक्टीरिया जिस पर कोई भी असर नहीं करता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कॉपर इज द राइट आंसर। कॉपर पर जो है कोई भी बैक्टीरिया यहां पर असर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया था, विंटर ओलंपिक्स लोकेशन 2022 यानी 2022 में विंटर ओलंपिक्स का लोकेशन कहाँ होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था चाइना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, यहाँ पर फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर है ओवरी, ठीक है। द प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन इज द ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर RBI से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड यानी इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे गए हैं, ठीक है। SLR के बारे में भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेट टू 6.5%, इस क्वेश्चन का आंसर है इन्फ्लेशन बाय RBI। व्हाट इज विक्रम सावंत एंड व्हेन इट इज स्टार्ट, विक्रम सावंत के बारे में यहाँ पर आपको पूछा गया था, जिसकी शुरुआत होती है 16 नवंबर को, ठीक है। 16 नवंबर को शुरुआत होती है द विक्रम ईरा की। विक्रम ईरा या फिर विक्रम सावंत इज एन इंडियन कैलेंडर स्टार्टिंग इन 57 BC, ठीक है। तो विक्रम सावंत की शुरुआत कब होती है, 16 नवंबर को। मर्चेंट रेट रिलेटेड टू, यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि मर्चेंट रेट है किससे संबंधित है, तो फॉर प्रोसेसिंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, यानी डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड से जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वहां पर आपको मर्चेंट रेट लगता है। आर्मी डे के बारे में यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन, आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और किस उपलक्ष्य में, यानी किन की याद में यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन यहां पर था। तो आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को, यानी 15 जनवरी को यहां पर आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा के याद के तौर पर, यहां पर आर्मी डे मनाया जाता है। बजरंग पुनिया के बारे में यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि बजरंग पुनिया अंडर 19 डिफिटेड टू, यानी किसको डिफिट किए हैं, तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर था कजाकिस्तान के सयादबेक ओकासोव को, ठीक है। कजाकिस्तान के सयादबेक ओकासोव को डिफिट करके बजरंग पुनिया जो है अंडर 19 जो है वह विन किए हैं, जीते हैं। तो यही थे गाइस आज के क्वेश्चन जो कि आपको पूछे गए थे 6 मार्च के SSC CGL के Tier 1 के एग्जामिनेशन में। और इसके अलावा जो प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड किए हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो वो भी क्वेश्चंस आपको देख के जाना है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो भी वीडियो आप जरूर से देखिए, वहां से
दो से तीन क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज़।